एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी में स्थित लधुपुरा गांव पहुंचा। लगभग 5500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान प्रेम सिंह हैं। वर्तमान प्रधान ने इस गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए हैं। लगभग 3200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। हम बात गांव में पहुंचने वाली सुविधाओं की करें तो गांव के प्रधान द्वारा गांव में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी सभी सरकारी योजनाएं ग्रामीणों को मुहैया कराई जा रही है। वहीं हम बात शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी वे जूनियर हाई स्कूल में लगभग 150 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं जब एबीपीएस न्यूज टीम ने गांव के विकास कार्यों की समीक्षा की तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में हैंडपंप लगवाए हैं तो वहीं विद्युत आपूर्ति के लगभग विद्युत पोल व 3 विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाए गए हैं। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा सीसी टाइल्स रोड का निर्माण कराया है एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण भी कराया है जिससे गाँव में खुले में शौच मुक्त हो सके। वहीं ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए गांव में स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, शमशान घाट का निर्माण कराने की राज्य एवं केंद्र सरकार से मांग की है। ग्राम प्रधान धनपुरा भीकन प्रेम सिंह, मैं सभी रास्ते भी करा रहा हूं और सीसी टैल्स के रास्ते कम से कम 25-26 रास्ते करा चुका हूं और क्या नाम है कोई भी रास्ते कराने के मैं संबंध में है। जिस तरह पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा काम होगा, जिस तरह पैसा आता रहेगा इसी से मैं पैसा से कराता रहूँगा। और कि स्कूल की बहुत अच्छी मरम्मत, पुताई, पट्टी, पक्के पैंट से पुताई करा रहा हूँ। पानी के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है मैंने, बनवा दी गई है गैस वैस लगवा के बाकायदे शौचालयों में स्कूल के, और पानी पीने की जहाँ पर जगह बच्चों के लिए दी गई है उसे हम टैल लगवा दी है। बच्चों के लिए पैरी वगैरह अच्छे चलने के लिए सुविधा बनवा दी गई है। फर्श डलवाए हैं स्कूल के, जो पुराने बहुत बेकार स्कूल था मट्टी पड़वा रहा हूँ स्कूल के अंदर, बहुत गहराई ज़्यादा है। और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी बच्चों के लिए पढ़ाई में सहयोग करूँगा उन्हें, और मैं सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ कि बच्चों की जो प्राइमरी में स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं जब जूता और ड्रेस उन्हें दे दी गई है तो उनके लिए फर्नीचर की सुविधा दी जाए। अगर हमारी ग्राम निधि में उन्हें सुविधा दे दी जाएगी, पैसा आएगा तो मैं फर्नीचर की भी बच्चों के लिए सुविधा दूंगा, जो कि मोंटेसी स्कूल में बच्चे ना जा सकें। प्राइमरी स्कूल में जब मास्टर को 40-40 हज़ार रुपये की 35-35 हज़ार की सैलरी दी जा रही है तो बच्चे फिर भी स्कूल में नहीं आ रहे क्योंकि उनके लिए फर्नीचर नहीं है। अच्छी ड्रेस हो, जूते भी मिल रहे हैं, ड्रेसें मिल रही हैं, मगर फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर मिल जाएगा, फर्नीचर बैठेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। और शमशान घाट में भी बंदी बनाए दिए, जहाँ जितनी भी शमशान घाट है बना जाएंगे, बहुत अच्छी मेहरबानी होगी आप श्री केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम निधि में पैसा आएगा तो ज़्यादा ही काम होगा।